अनुपात को अनुपात में रखिए तो 25/225 होता है ना, तो 99/9 होता क्या? ओ यही तो आंसर। अनुपात को अनुपात में नंबर सर देखिएगा जी, तीन नंबर सर देखिएगा एक बार, तीन नंबर का आंसर नहीं मिला। तीन नंबर में कुछ मिस्टेक कर दी है आप, आपका लगता है मिस्टेक है बी, उतारने में गलती की है, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। 361 लिखा हुआ है, तो 361 को आप क्या किए हैं, 636 बना दिया अपने मन से। पढ़ाई करते समय ना बाहरी बाहर का जो डिस्टर्बेंस है उसको गायब रखिए, चलिए उसी से गलत हो गया। चार नंबर सर, नहीं तो बन जाता है। सिस्टम बनाने का तरीका तो सही है, आप गलत अंक लिख लिए हैं। चलिए आगे बोलिए। चार नंबर सर, वही बोलिए, इतना हल्का क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, तो किसी नंबर चार नंबर, चार में क्या गलती किए हैं, 324 तो सही लग रहा, फिर गलती किए हैं। अरे गुना नहीं करना था ना, इतना कॉम्प्लिकेशन दिमाग में क्यों है आपके दिमाग में, बीपीएससी का कैंडिडेट तो ऐसे भी आलसी होना चाहिए। यहाँ 324 है तो 324 किसका होता है रूट, 18 का, 18 का जैसे वर्ग करेंगे 324 आएगा, लेकिन 324 का जो रूट ओवर 18 होता है, ठीक है, और 64 का 8 होता है, तो 18 का 144 हुआ। आराम आराम से कीजिए ना, आप भयंकर बुद्धि लगा देते हैं, इसलिए आपकी चीज इस बार फिर मत कीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल बुद्धि लगाना पड़ता है। पीजी पास करने के लिए अपना गुणों को शिक्षक से बताइए, समझे, वो दूर करेंगे तभी पास कर पाएगा। ये कॉम्प्लिकेट करते हैं, आप गुना करते हैं, कॉम्प्लिकेशन गया, गुना करने में टाइम आद गया, फिर चूंकि कॉम्प्लिकेटेड गुना हो गया, गुणनफल कॉम्प्लिकेटेड आया, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, तो चीजों को हम कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम, मान लिया जाए कि हम दुकान पर गए और सिलाई मशीन खरीद के लाए हैं, उसका पार्ट पार्ट अलग है, तो सिलाई मशीन को दुकान के अंदर जोड़ लिए, ठीक है, और फिर घर में आकर पार्ट पार्ट कर दिए। अरे भाई, जब पार्ट पार्ट करना ही था तो जोड़े क्यों? इनोवेटिव बनिए, आजकल के जमाने में समय बचा जाता है ना। यस सर, 13 नंबर, सेवन सेवन सर, सेवन ये सर, दशमलव बोला है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 3, अच्छा इसमें भी ज्यादा बुद्धि लगा दिए हैं, हे भगवान, इतना दिमाग लगा देते हैं आप कि उसी में फंस जाते हैं आप, कैलकुलेशन डाउट। देखिए इसमें, इसमें मतलब गलत आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं, गलत आप कुछ नहीं बना रहे हैं, मतलब आप सही बना रहे हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लेक्स मामला हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उतार दिए वो गलत की अलग बात है, लेकिन गलत जानते हैं ऐसा नहीं है, जानते सही है, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हैं। 2.7 और है 0.3 है इक्वल टू, फिर भी हालांकि फिर भी गलत आपका नहीं होना चाहिए था, पता नहीं गलत कैसे, अच्छा छोड़ दिए रास्ते में आप इसको, आप बीच रास्ते में छोड़ दिए। देखिए आपने क्या किया है, देखिए ध्यान से आपने क्या किया है, एक मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हाँ अच्छी बात है। इसमें आपने क्या किया कि ये पॉइंट को हटाया, और हटा भी रहे तो ऐसे कर, ऐसे करने क्या होता है, आप टीचर थोड़े हैं, अरे पॉइंट हट गया तभी तो 10 नीचे आया, ये करने क्या होता है, ये हो गया पॉइंट हट गया तो 10 आया, तो आप 10 लिख ही रहे तो हो गया ना, समझने वाला समझेगा अपना कहां से 10 आया, आपको तो बनाने से मतलब रखिए, ये 10 और ये 100 गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा लिखना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे आप टेंशन में आ गए हैं, टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं थी, चलिए मैं आपके तरीके से ही बना देता हूँ ताकि थोड़ा संतुष्टि हो जाए आपको। देखिए अब इसको एक साथ रखिए, इसको एक साथ पैक करके रखिए, एक पॉलिथीन में पैक कर दीजिए, ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, हालांकि आसान तरीका था, बट आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको तत्काल वही पसंद है, मैं वही बता रहा हूँ, ये यहाँ चला गया, अब यहाँ जाएगा 9/10 और ये 3/10, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है, नीचे नीचे काटने आता है ना, नीचे नीचे, यस सर, पता है, आता है, आता है, हाँ तो ठीक है, कट गया,
नीचे नीचे कट गया आखिर, ये भी तो 27 है, ये तो कट गया। हाँ ये भी कट गया, बच गया क्या, एच इक्वल टू बच गया 1/10। अब कहाँ कुछ है इसमें, वन बाई टेन ही आंसर है ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। आप देखिए आपका तरीका, मैं बता रहा हूँ इसको देखिए, आसानी से होगा। आप गलत नहीं बना है लेकिन समय की बर्बादी है। देखिए यहाँ पर है ना टू, यहाँ पर देखिए 2.7 है, यहाँ पर 0.3 है। यस सर। हाँ तो जब जब पीछे से एक दशमलव एक अंक का दशमलव है यहाँ भी है तो कुछ नहीं करने का, इसका उड़ेगा तो इसका भी उड़ेगा, उड़ गया दोनों खत्म हो गया। ऐसे भी अगर आप इसको तोड़ते तो 10 करते, इसको तोड़ते तो 10 करते, तो ये तो खत्म होना ही था ना। सर यस सर, यस सर, यस सर, तो पहले ही खत्म कर देते हैं, इतना तो अलाउ है। ऐसा थोड़ा कि ये अलाउ किनको नहीं होता है, जो 5 क्लास के बच्चे होते हैं 4 क्लास के उनको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि रूल है टीचिंग का कि वो बेस बेस को जान पाए, बेसिक जानकारी को प्राप्त करें। तो ये हो गया, अब आपको पता है कि 27 और 3 हो गया, तो 3 3 से काट देंगे तो कितना हो गया, 9 9 ना। भले ही 10 बदल दीजिए, ये हो गया ये वाला इसका, और ये नीचे जो 9 था सो हो गया, तो 9 9 कट गया, 1/10 हो गया, ठीक है। और भी आसान तरीका इसका, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, 3 से ये काट ही दिए थे, इसको इसे काट दीजिए कितना आएगा, 0.1 आएगा, और क्या 0.1 आएगा, यानी कि 0.1 बाय x फिर वो 10 हो जाएगा। यस सर, 1 इक्वल टू 0.1 बाय x, x को यहाँ ले आइए, x इक्वल टू 0.1, इसी को तो 1/10 कहते हैं, 0.1। हाँ सर, आप जो है ना मैथ कम बनाए अपने लाइफ में, मैथ्स कम बनाए, इसलिए ऐसा हो रहा है, ज्यादा yes, बाकी लोगों से yes, ज्यादा बनाइए, नहीं तो फिट नहीं होगा, इंस्टॉल माइंड के अंदर इंस्टॉल होता है तब जाके वो चलता है, फिर इनपुट कम है माइंड के अंदर इसलिए हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा बनाए, मैथ्स का तो टीटी पास करना मुश्किल है, वो नहीं पूछेगा फिर भी मुश्किल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा जी। कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए मैथ बहुत जरूरी है ना, एलिमेंट्री बेसिक चीज है। चलिए आगे बोलिए, 13 नंबर सर, 13 नंबर आपको मैथ का, आप रेगुलर क्लास कीजिए, बहुत ज्यादा वीक है, 10 रेगुलर कर रहे हैं सर, क्या रेगुलर कर रहे हैं सर, नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ मतलब कीजिए सर, 13 13 कहाँ गया, ऐसे आपको स्टैट ही फायदा कर जाएगा, 13 वो पीछे। हाँ ये तो मध्य अनुपाती है, तो इसमें कैसे आप बनाए हैं, अच्छा आपने इसको समझा नहीं, इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपने किया है, इसमें जो है ना कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है, मध्यानुपाती मैंने समझाया था, देखिए मैं फिर समझाता हूँ, वहां मैंने बताया था ऐसे करके कि AX हो गया। हाँ सर वही सर, मिस हुआ था वीडियो देखने में। अच्छा ये हो गया, तो ये जो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो तीसरा चौथा को मध्य अनुपाती कहा जाता है, ठीक है जी। तो जी अगर इसको ऐसे करेंगे बटा में तो इस प्रकार से आएगा एक्स वाई बी, इसको तिरछा करेंगे तो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आप सुधार के लिखें, ऐसे लोग लिखने का आदत है इंडिया में, ऐसे एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी आएगा, तो ये है मध्य अनुपाती, ठीक है। तो आपको क्या करना था, लिखना था मध्य अनुपाती, मध्यानुपाती डायरेक्ट करना था, इसे कुछ नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है, मतलब डेवलपमेंट है, सॉरी डेवलपमेंट है जो बता दिया था, मध्यानुपात इक्वल टू एक्स, इतना एक्स इक्वल टू, क्योंकि पूछा है कि मध्यानुपाती, तो हमारा ए एक्स मिटा दीजिए, मध्यानुपाती दीजिए, ठीक है। और ए के ऊपर जो क्वेश्चन में है 62.5, तो 62.5 गुने 0.9, ठीक है yes. यही था, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, इसको जो है इतना इतना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 और इसके नीचे भी 10 होगा, तो बन जाएगा सर, यस सर बन जाएगा, वो 325 का 25 होता है, 9 का 3 होता है, 2 तो 10 है, 1 तो 10 निकलेगा, 25 किया 75/10 यानी कि 7.5 हो गया,
यस सर बन जाएगा, बनाएंगे फिर से। हाँ सर इसी मिस हो गया हमको सर वो सर। हाँ ये पढ़ाया था मैंने, ये फॉर्मूला है एक तरह का सर, बीच में वीडियो गायब होता है ना उसी में ये दिक्कत हो जाता है सर। 16 नंबर सर, 16 16 बनाए हैं लेकिन सर आंसर नहीं मिला। सोलह तो अच्छा हुआ कि मैथ क्लास मैंने चालू कर दिया आपको, मैंने बहुत स्थिति खराब है आपका। किसी स्कूल को बनाने में एक मिनट, ए बी सी डी चार ले लिए हैं 16 में, चार ठो का है, तीन ही तो है, मजदूरी लकड़ी और पेंट तीन चीज है। अच्छा सर सॉरी सॉरी सर 16 है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, हम 14 देख लिए थे, गुड गुड। ए बी 4 5, बी सी 3 4, सी डी 6 7, तो ए बी सी डी का निकालना है। इसका आंसर नहीं मिला है? नहीं सर, हम 12 15 120 140 निकाल दिए हैं। आपका जो आंसर जो है गलत हो गया है, क्योंकि 20 12 15 120 140 आपने लिख दिया है, आंसर उल्टा ही है ना। कितना आंसर था इसका? 30 45, ये वाला है। देखिए इसका तो हमने बताया था, लगता है कि एक मैंने उसे बताया था, अगर वो याद होगा तो आसानी से होगा, नहीं तो खैर फिर से बताना पड़ेगा। ए बी का 4 5 है, ए बी का 4 5 है, क्वेश्चन नंबर कितना है? मुझे लगा कोई ट्रिक आप अपना है, आपका सिंपल ही है। 3 4 है, देखो आप दो ही चीज में समझ लो आप, इसमें क्या है ना कि ए बी है तो 4 5 है, बी सी है तो 3 4 है ना? यस सर, यस सर, दिख रहा है? यस सर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेम सेम है, इसको भी सेम सेम कर, ठीक है जी। तो सेम सेम तब ना होगा जब हम गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 से करेंगे तो सेम थोड़े होगा, ये 5 3 रह जाएगा। इसमें मान लेते हैं 2 से कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 से, तब भी नहीं होगा। 5 से अच्छा रहेगी, 3 से कर दे, इसमें 5 से कर दे, है ना? यस सर, यस सर। लेकिन अब है कि वो दोनों में करना पड़ेगा, कैंसिलेशन ला कहता है कि दोनों में करना पड़ता है, तो 12 और जी 15 और ये जाएगा आपको, दोनों में करेंगे इधर से 5 ही देते हैं, तो 15 और 12 20 20 सर, हां सॉरी 15 20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 12 15 और 20। इसको यही छोड़ दीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, सी और डी लिखा हुआ है, जब सी और डी में जाएंगे, सी और डी में जाएंगे तो उसमें लिखा है 6 7, 6 7 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको साइड थोड़ा कीजिए के लिए। अब यहां देखिए ये और ये क्या है, सेम सेम है, और इसका बी का तो 15 हो गया, ठीक है, और सी का 20 हो गया, तो यहाँ पर सी सी है लेकिन यहाँ पर जो है ये 20 का क्या है, 6 है, ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, ज्यादा दिक्कत में निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें कि भाई अगर बी को सॉरी सी को अगर सेम कर लिया जाता अच्छा रहता, तो अब ये 6 है, 6 में कितना से गुना करें कि 20 आ जाए, ये होगा? 6 से 20 तो नहीं आएगा, 6 से 20 नहीं आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ देखिए 20 है लाना है और यहाँ पर 6 में, तो 6 में कितना से गुना करें 20 है, तो यहाँ लिखते हैं 1 से गुना करें, ठीक है, तो 20 बटा 6 हो गया,
एक्स हो गया, ठीक है। अब काट के देखते हैं तो 2 दहाइयां 10 और 2 तिहाई 6, यानी तीन 3/10/3 से गुणा करेंगे, 10/3 से, तो आ जाएगा इसमें 10/3 से गुणा करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे इतना 6 लाना है ना, तो इसमें क्या करेंगे, उससे अच्छा है कैल्शियम निकाल लेंगे, थोड़ा तो झंझट हो जाएगा, छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका बताया, सबसे आसान तरीका है कि दोनों का एलसीएम निकालिए, यहाँ निकालता हूँ मैं, 20 और 6 का एलसीएम निकालिए, तो 2 से भाग देंगे तो 3, यहाँ 10, तीन नहीं दस कटेगा है ना, नहीं सर, तो हो जाएगा 2 3 6, साठ 60 होगा हो सर। जाएगा, 60 चाहिए दोनों जगह, 60 चाहिए, तो आसान है। इसमें से क्या कर दिए, 10 से गुना कर दीजिए, और इसमें गुना कर दीजिए कितना से, 4 4 हमने से, 60 ला, चार तो सी ठीक है सर। ना, हाँ हाँ तो बीस है सर, बीस ये सेकंड क्या में बदल के हो जाएगा 45, और ये बदल के 60, तो ये बदल के 60 और 70 हो जाएगा, ठीक है। यस। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए, नहीं सर, यहीं मिस्टेक कर गए थे। हाँ ठीक है। तो बी और सी का निकल गया और यहाँ सी और डी का निकल गया, अब इससे क्या आपको मिल डी जाएगा, बी सी अनुपात डी, तो कितना हो जाएगा, 45, 60 और 70, ठीक है। और ए बी सी वाला कितना था, आप लिखे हैं नहीं लिखे, अच्छा ठीक है, फिर से निकालते हैं, ए बी सी निकाले थे हम, तो कितना आया था, ये ये का 12-15 था सर, 12 आया था खुद में, 12, पंद्रह और आप लिखे नहीं है, 12 15, हाँ 15, 12-15 सर। 12 15, और सी का कितना था, 12 15 और 20, 20 था, सॉरी 20, 20 था, 12 15 20 था, तो हम लोग को है छूट रहा है, कौन, ये छूट रहा है ना, ये छूट रहा है, तो ए का हो गया आपको, ए का 12 हो गया, ठीक है, ये को नहीं छू सकते हैं। बी का यहाँ पर 45 60 70 है, ये बी है, तो बी के साथ तो कॉमन हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, देखिए इसको 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 देख रहा है ना, यस सर, ये दिख रहा है, दिख रहा है सर। इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग इसका कोई भी अंक इसे पहले नहीं खा रहा है, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मेहनत और कर देंगे, 12 15 और 20 में क्या करेंगे, बाहर से गुना कर देंगे 3 से, 3 से गुना करने का फायदा होगा, 12 3 36 और 15 3 45 और 20 4 60, अब तो दिखेगा ना ये बी और सी, यस सर। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से बताऊंगा मैं, नहीं, ठीक है हो सर। गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बी और सी टैली कर रहा है, यहाँ भी बी और सी टैली कर रहा है, ठीक है, यानी कि हम लिख हाँ सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए यहाँ से 36 और ये तो टैली कर ही गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक बचा है तो वो 70 है, तो 70 ये आंसर हाँ होगा, यस समझ में आया, थोड़ा स्टेप ज्यादा लग रहा यस है, सर। लेकिन हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ वही गए है, कॉन्सेप्ट मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, जी। चलिए और किसी में है, तो 90 वाला देखिए, 90 पूरा छोड़ दिए थे पहले क्या सर। छोड़िए नहीं, गलत ही बनाइए, छोड़िए नहीं, वो गलत बनाने से फायदा क्या होगा, मैं जान पाऊंगी जी क्या आपके दिमाग के अंदर है, ठीक है, आपके यस दिमाग के सर। अंदर क्या है, अगर वो गड़बड़ चीज है तो उसको निकाल फेंक कहूंगा कि निकाल फेंकिए आप, अच्छी चीज है तो बताऊंगा कि अच्छी है, बट यहाँ यूज नहीं करना है, इसलिए जी आप गलत ही बनाइए। 19, 19 तो हमने छोड़ ही दिया है, अच्छा ये वाला है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए सी क्या होगा, ठीक है, तो इसमें अभी आप बनाइए, मैं आपसे बनवा देता हूँ, लिखिए कॉपी पर लिखिए तो आपसे खुद से बन जाएगा, यस सर लिखा है ना कि ए बी से 40% अधिक है, लिखा है, यस सर यस सर और बी सी से 20% कम है, यस सर बी जो है सी से 20% कम है, तो लिखिए सी बराबर यस सर 100,
लिख लिए, तो यस सर। बी कितना होगा? लिखा है ना बी सी से 20% कम है, तो सी को हमने 100 कह दिया, तो बी कितना होगा? हाँ 80 होगा सर। हाँ तो लिखिए बी इक्वल टू 80। यस सर। तो बी 80 हो गया। सी और बी आपने क्या किया, एक तरह से मान लिया है, ठीक है। अब फिर से जी प्रश्न का अगला हिस्सा पढ़िए। ए बी से 40% अधिक है, तो बी पता है ना आपको, यस सर, बी वो कितना अस्सी का है? 40% बी सर, 80। 80 है, तो 80, 80, 80 यस सर। तो बी से 40% अधिक है, तो ए बराबर हाँ लिखिए, ए बराबर लिखिए, 80 का 40%। नहीं नहीं आप जो हम कर रहे हैं सो लिखिए, आप मत बोलिए। जी ए बराबर जी लिखिए, ए बराबर यस सर। लिख लिए, बी हाँ हाँ प्लस, क्या बी यस प्लस सर, बी इंटू 40%। बी इंटू 40%, ए यस सर, बराबर बी प्लस बी इंटू बी 40%। इंटू 40%। जी आप बताइए ठीक लिख पाए हैं ना? क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन मोबाइल में है, क्वेश्चन मोबाइल में सर। हाँ तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिए। यदि ए बी यस से 40% अधिक है, यदि हाँ ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, जी ए बी से 40% अधिक है, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। हाँ तो अब इसको सॉल्व करके हमको बताइए, यस इसको सर सॉल्व करके हम बताइए अंत में क्या आया, लास्ट बताइए। जी अब बी का वैल्यू पता है, ध्यान रखिएगा 80 है, यहाँ 80 रख लीजिए। यस ये कर रहे हैं। एक सौ बारह सर। गुड, वेरी गुड। तो कौन निकला 112? ए निकला एक सौ ये बारह निकला सर। और ए और सी का पूछ रहा है ना, सी कितना लिए थे आप? 100। 100। तो 100 लिए थे ना? यस सर। हाँ तो ए बाई सी कर दीजिए, 112 बटा 100 कर दीजिए, हो तो क्या, सो काट कूट दीजिएगा, हो गया आंसर। यस यस सर जी ठीक है, हो गया सर। देखिए यस सर और सही कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चन इनोवेटिव होते हैं, नए ढंग के होते हैं, कभी कभी जी। किसी से नहीं बनते हैं, क्योंकि तो उनके लिए कुछ टिप्स होता है। तो जैसे इस ये क्वेश्चन था, इसके लिए टिप्स है, तो इसके लिए अब घबराना नहीं है कि सर हम नहीं जानते नहीं बना। अब आप ये सीख गए हैं टिप्स, अब आपका काम क्या है कि यस ऐसे सर, कई प्रश्नों को आप बनाएं, इसी के हम दे देंगे, मांग लीजिएगा, ये थोड़ा सा हार्ड था। कई प्रश्नों को ऐसा बनाएं, चाहे अभी जो बताया ए बी सी डी चार्ट वाला जो था वो भी हार्ड है, जी तो उस टाइप के कुछ जी प्रश्नों को आप बनाइए, नहीं किताब तो हमसे मांग लीजिए, तब जाकर होगा। यस सर क्योंकि टिप्स वाला जो प्रश्न है, एक बनाने से काम नहीं चलेगा, वो दिमाग से निकल जाता है। चलिए और कोई है? नहीं सर, हो गया। चलिए तो आज बंद किया जाए सर, इस पे और सॉल्व करना है ना क्वेश्चन रेशियो पे। हाँ और क्वेश्चन भेज देंगे जी। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सर।